आज अखिल भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में 11 सूत्री मांगों को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पार्टी के जिला उपाध्यक्ष इंद्र भानसा उइके जी, राम अवतार दुर्वे जी, असाड़ू भलावी जी, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पांडुरंग कुमरे जी, ब्लॉक अध्यक्ष बिछुआ, हमारे इस कार्यक्रम में जिले से अन्य ब्लॉकों से भी लोग यहाँ उपस्थित है। श्री चंद्रमोहन कुमरे जी जो जिला सचिव है हमारे पार्टी के, अतरलाल दुर्वे जी हर्रे विकास खंड से जो जिले के उपाध्यक्ष है, मनीष कुमरे जी ब्लॉक अध्यक्ष छिंदवाड़ा, हीरामन विश्वकर्मा जी ब्लॉक अध्यक्ष सौसर, प्रकाश उइके ओमकार उइके जी युवा संगठन के अध्यक्ष, मुरलीधर उइके जो युवा ये माइक संचालन कर रहे थे, प्रकाश कोड़ोपे जी, धर्मराज नवरे जी, निर्गुण दास दुर्वे जी पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष चौरई, पिल्ले राम जी, चंद्रू भलावी जी पार्षद बिछुआ से भी, कवरेती जी हमारे बीच उपस्थित है, जनपद सदस्य है, यहाँ तमाम उपस्थित पार्टी के पदाधिकारी और जो समस्याओं से पीड़ित है, जो गांव गांव से यहाँ पर पहुंचे अपनी समस्याओं को लेकर के हमारे इस मांग पत्र में शामिल हुए हैं जो शासन प्रशासन को हमें सौंपना है, तो मैं उन सभी को सह दिल से सेवा जोहार। साथियों, आज जिस ज्ञापन को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं समझता हूं आज हमें जरूरत क्यों पड़ी। इसी मंच में यहीं पर प्रदेश के मुखिया आए हुए थे, महीना भर भी नहीं हुआ है। हमारे बिछुआ ब्लॉक में सांसद महोदय हम पद यात्रा करने घूम रहे थे, पद यात्रा भी किए सांसद ने अपने क्षेत्र में, मुख्यमंत्री भी पूरे छिंदवाड़ा जिले में कहीं नहीं गए, बिछुआ में आए। क्यों? अगर बिछुआ में आए थे तो ये जो हम मांग आज ये रख रहे हैं, हमारी छोड़िए दूसरे संगठन के लोगों ने क्यों नहीं रखी इस मांग को? मैं रखना था ना, मुख्यमंत्री जब यहाँ आ रहा है तो हमारी फसलें अगर चौपट हुई है तो हमको ज्ञापन देना था। मुख्यमंत्री अगर यहाँ पर आया है, हमको अगर पट्टे नहीं मिल रहे हैं तो हमको काले झंडे दिखाना था। मुख्यमंत्री अगर यहाँ पर आया है और आदिवासियों की गुलसी गोली कांड अगर हुआ है, दो आदिवासियों की अगर हत्या हुई है और उसमें अगर न्याय नहीं हुआ, तो हमको मुख्यमंत्री की सभा में आने की जरूरत नहीं थी, काले झंडे दिखाकर भगाने की जरूरत थी हमको। लेकिन हमारे लोग नहीं आए, खड़े नहीं हुए। ये अनपढ़ लोग जो गांव में रहते, किसान है, गरीब है, जो पढ़े लिखे नहीं है उनको छोड़िए आप, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो चाटुकारिता करते हैं दूसरे समाज पार्टियों की नेताओं की, कम से कम वही लोग ऐसा ज्ञापन बना के दे देते कि हमारे क्षेत्र में अतिवृष्टि हुई है, किसानों को मुआवजा दिया जाए। हमारे क्षेत्र में हजारों किसान हैं जो वन भूमि में वर्षों से काबिज है, लेकिन उनको पट्टे नहीं दिए, उन्होंने भी नहीं दिया। इस क्षेत्र का विधायक भी है जो कांग्रेस पार्टी का विधायक है, वो विधायक ने भी कभी ये बात नहीं रखा। यहाँ से सांसद गुजर के गया, वो सांसद ने भी पेपर में नहीं दिया कि मैंने ये फलाने मांग किया करके। हमारी बात करने वाला कोई नहीं है, हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। आजादी के 75 सालों बाद जो हक अधिकार हमको मिले हैं, वो हक अधिकार हमको कागजों में तो मिले हैं लेकिन वास्तव में नहीं मिले। अभी पट्टे वाले ढेर सारे लोगों ने आवेदन दिए कि हमको पट्टे नहीं मिले, चाहे वो राजस्व की भूमि हो, छोटे झाड़ जंगल की, या फिर वो वन भूमि हो। उन पट्टों के लिए 2005 में गोंडवाना की रैली दिल्ली गई थी, ये सरकार ने नहीं दी। आप भूल में मत रहिए कि ये बीजेपी या कांग्रेस की सरकार हमको पट्टे वैसे दे रही है। हमारे पूरे गोंडवाना के कम 5 लाख लोग 2005 में दिल्ली गए थे और वहां पर जाकर जब हमने ज्ञापन दिया, 8 दिन के अंदर वो वन विधेयक अधिनियम कानून पास हुआ। कितने साल हो गए आज उस कानून को पास होने के लिए? कितने साल हो गए? 17 साल हो गए कि नहीं? तो 17 साल के दरमियान क्यों आज तक लोगों को पट्टे नहीं मिल रहे? हम नाकेदार के पास जाते तो सचिव के पास जाओ बोलते, सचिव के पास जाते तो वो कहता ग्राम पटवारी के पास जाओ, यही बोल रहे ना? नाकेदार पटवारी के पास भेजता, पटवारी सचिव के पास भेजता, सचिव फिर से ग्राम पंचायत में भेजता, फिर वो नाकेदार के पास भेजता, यही हो रहा ना? आज इसी मंच में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है पेशा एक्ट कानून। उन्होंने कहा कि ये पंचायत अब भोपाल से नहीं चौपाल से चलेंगे, यही बोले थे ना?
चौपाल से चलेंगी, जब पट्टा हमारे ग्राम सभा में जो कमेटी का अध्यक्ष बनेगा वो ही देगा, तो नाकेदार की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप लोग एक संकल्प करके जाओ कि अब गांव के अंदर नाकेदार नहीं घुसना चाहिए, जरूरत नहीं, हम खुद पट्टा देंगे। लकड़ी किसको काटना किसको बेचना हम तय करेंगे, जब तेंदू पत्ता हम तय कर सकते हैं तो नाकेदार की जरूरत नहीं है। हमको ये अधिकार दिया पेशा कानून में कि आपके गांव में अगर कोई झगड़ा होता है आप लोग खुद निर्णय करोगे, तो ये पुलिस वालों की जरूरत नहीं, थाने बंद हो जाना चाहिए, पुलिस वालों की जरूरत ही नहीं, थाने ऑटोमेटिक बंद हो जाना चाहिए हमारे गांव में। ध्यान रहे, पुलिस वालों को घुसने मत दो, एक व्यक्ति लिख के रख दो कि पेशा कानून लागू हो गया है, ये आदिवासियों का गांव है, यहाँ पुलिस वाले नहीं घुसेंगे, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमें पेशा कानून मालूम ही नहीं है, मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी, बड़ी बड़ी बातें कर दी, लेकिन पेशा कानून किसके लिए बना है, क्यों बना है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? पेशा कानून बनाने के लिए मुख्यमंत्री को बिछुआ में आके घोषणा क्यों करना पड़ा? आपको शायद मालूम नहीं होगा, बिछुआ विकास खंड में गोंडवाना का जनपद अध्यक्ष बन गया, इसलिए मुख्यमंत्री आकर यहाँ घोषणा करता है। वो तो हर्रई में भी जा सकता था, वो तो तामिया में भी जा सकता था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यहाँ गोंडवाना मजबूत हो रहा है, तो यही आकर के अपन आदिवासियों को बेवकूफ बनाओ। हमें पेशा कानून का ज्ञान ही नहीं है, पुस्तक तो दिए हमको लेकिन पुस्तक की जानकारी नहीं है कि कानून किसके लिए बनाना है। यहाँ मुट्ठी भर लोग मजा मार रहे, पेट्रोल पंप उनकी, दुकानें उनकी, व्यापार उनका, और क्षेत्र आदिवासी है कि नहीं है? जब हमारा क्षेत्र है तो नेतागिरी हमारी चलना चाहिए, जब हमारा क्षेत्र है तो दुकानें हमारी होना चाहिए, जब हमारा क्षेत्र है तो पेट्रोल पंप के मालिक हमें होना चाहिए, जब हमारा क्षेत्र है तो ठेकेदार भी हमको होना चाहिए, ये पेशा कानून में कहता है। लेकिन दोस्तों बड़े दुख की बात है, आजादी के 75 साल बाद भी कमार पानी बिछुआ से बड़ा क्षेत्र है वहां डॉक्टर नहीं है, धने गांव में डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर एक स्कूल में 20 बच्चे और 5-5 मास्टर बैठे हैं बिछुआ के आजू बाजू, लेकिन वो धने गांव और चिचोली और उधर अंदर घुस जावा बड़कुई तरफ, वहां पर मास्टर नहीं मिलेंगे आपको, यह अन्याय नहीं हो रहा हमारे साथ? शासन से सीधा लिख के आया हुआ है कि आदिवासी जहां भी आदिवासी छात्रावास है वहाँ आदिवासी वर्ग का ही अधीक्षक होगा, ताकि बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार कर सके, अच्छा खाना दे सके, उनको शिक्षा के लिए सुबह 4 बजे उठा सके, उनको व्यायाम करा सके। लेकिन यहाँ लोग पैसा दे करके आदिवासी छोड़ा दूसरे 11 आदिवासी लोग अधीक्षक बनकर बैठे, उनके उनके खाने का पैसे में से कटौती करते, बिल उल्टे सीधे लगा के पैसे निकाल के बढ़िया अपना चला रहे लोग, घर हो रहे कि नहीं हो रहे? तो हम लोगों ने जो मांग रखी है वो हमारी जायज मांगे है, हम जिनके लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं वो उन लोगों को अतः पता नहीं रहता। गुंडे रही समाज के कितने लोग आज हाथ उठाइए, मुश्किल से 20-25 लोग होंगे, और प्रमाण पत्र चाहिए बोलते हम, है ना? अभी देखो मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष यही इसी बिछुआ में बैठा हुआ है, माननीय गौरी शंकर बिसेन जी बिछुआ में बैठे, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों से चर्चाएं कर रहा है, वो क्या समस्याएं आपकी, कितनी जनसंख्या आपकी, आपको आरक्षण का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपको कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? आज तक आदिवासी आयोग का अध्यक्ष छोड़ो उनका सदस्य तक बिछुआ में नहीं आया, आया कि कभी? ये है जागरूकता, और वो जागरूकता की कमी के कारण आज हमारे समाज के लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। आदिवासी क्षेत्र होने के बाद भी दूसरे लोग मजा मार रहे हैं, दूसरे लोग फायदा उठा रहे हैं, दूसरे लोग व्यापार कर रहे हैं, दूसरे लोग ठेकेदारी कर रहे हैं। आपको याद होगा 5-6 साल पहले यहाँ के कम से कम 10-15 सरपंचों के ऊपर FIR दर्ज हुई थी कि नहीं हुई थी? कई सरपंच सचिवों ने खेत बाड़ी बेचे, कई लोग सरपंच सचिव अंदर हो गए थे, खमरिया माल के तो सरपंच और सचिव अंदर हो गया था, हुए थे कि नहीं हुए थे? यहाँ के कुछ लोगों ने उनके नाम से बढ़िया वो शौचालय का पैसा आया था, वो शौचालय का पैसा उन लोगों ने बढ़िया इधर निकाल लिया, वो सरपंचों को मटेरियल ही नहीं दिए बिचारों को। अब आदिवासी सरपंच है वो क्या करेंगे? अब वो सरपंचों के ऊपर FIR दर्ज हुई, उनसे वसूली की गई, लेकिन खाने वाले दलाल कांग्रेस और बीजेपी के लोग थे जो चमचागिरी करके सरपंचों से चेक में साइन करा लिए थे, दबाव डालकर शासन प्रशासन का चेक में साइन करा लिए थे, और वो सरपंचों ने बाद में तुमड़ागढ़ी का सरपंच ने जमीन बेचा, वहां के सचिव ने जमीन बेचा, हम तो खुलेआम माइक में बोल रहे, बेचे कि नहीं बेचे? अभी चंद्रू भला भी यही बैठे कहीं, उनको मालूम अच्छी तरह से कि उनके ऊपर जब निकला रिकवरी तो जमीन बेच करके देना पड़ा। तो दूसरों के कारण हमारे लोगों का शोषण हो रहा है, तो ढेर सारी समस्याएं हैं,
जिनको लेकर के, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के लोग कभी आपकी समस्या के लिए नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस की तो सरकार ही नहीं है, बीजेपी की सरकार है। वो नहीं चाहेंगे, वो तो दबाना चाहेंगे। अभी तालाबें बने, यही जनपद पंचायत के माध्यम से आ रही है, इस विभाग के माध्यम से तालाब बने। कपूरखेड़ा में जहां जनपद अध्यक्ष उसी गांव में तालाब बना है, एक बूंद पानी नहीं है वहां पर। सामरभूम में तालाब बना है, पुराना तालाब कोई खोद खाद के रिपेयरिंग कर दिए, पता चला कोई बीजेपी का नेता ने बना दिया, पूरे पैसे खा गए, ठेकेदार बन गए लोग। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के लोग कार्यकर्ता कम है, ठेकेदार ज्यादा है। यहाँ चूंकि आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र होने के कारण यहाँ के लोग लड़ नहीं पाते, यहाँ के लोग भिड़ते नहीं है, उनको जानकारियां नहीं है, वो जानकारी के भाव के कारण ये मुट्ठी भर दूसरे लोग मजा मार रहे हैं। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, पेशा कानून बन गया है। अगर गांव की ग्राम सभा, गांव के लोग बैठ के अगर पट्टा देने का काम करते तो पटवारी की जरूरत नहीं है। अगर झगड़ा होता है हम लोग बैठ कर निर्णय कर सकते हैं तो पुलिस वालों की जरूरत नहीं है। और अगर वन का पट्टा भी हम लोग दे सकते हैं, वन के अधिकार, अगर तेंदू पत्ता का सरकार दे रही है तो वहां नाकेदार को घुसने का भी अधिकार नहीं है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पेशा कानून में ऐसा ही है। 1996 का जो ड्राफ्ट बना पेशा कानून, उस पेशा कानून में यही लिखा है, लेकिन इनका जो पेशा कानून है उसमें क्या लिखा हमें नहीं मालूम। इनके पेशा कानून में और कुछ लिखा होगा? ये कह रहे हैं तुम झगड़ा करो, निर्णय भी करो, लेकिन पुलिस वालों को सूचना दो। तो वो कहेगा पेशा कानून पर, वो तो बेवकूफ बनाने काम हुआ कि नहीं, सूचना भी दो कह रहे हैं। तो हमको ढेर सारे कानून बने देश में आजादी के 75 साल बाद, उन कानूनों की जानकारी नहीं होने के कारण आज ये छोटे छोटे लोग हम देखते हमारे परेशान किए जाते हैं। आज बिछुआ में शराब बट्टी, खमार पानी में, गांव गांव में दारू बेच रहे वो लोग। हमारा कोई गरीब अगर बेच रहे तो उसको आबकारी एक्ट लगा के जेल पहुंचा देते। आबकारी एक्ट में है, अगर आदिवासी है आप 5 लीटर दारू जेब में रख के कहीं भी घूम सकते, कानून में लिखा है। हम दारू के समर्थक नहीं है लेकिन कानून बना हुआ है। आपके यहाँ अगर कोई कार्यक्रम है, शादी हो रही है, आपके यहाँ देव दिवाली हो रही, कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, 45 लीटर की ऐसी कुप्पी रख के आप दारू पी सकते हो, किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं आपको पकड़ लेगा। ये कानून है, आबकारी एक्ट में लिखा है, लेकिन हमारे यहाँ पौवा दारू मिलती है उसको पकड़ के और अंदर कर देते लोग, पैसा लग कर रहे कि नहीं, पैसा लग लेते बोलते घूस ले रहे। अभी हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने, जनपद अध्यक्ष हमारे यहाँ बिछुआ में है, कमार पानी में, उनने जब ग्राम पंचायत से वो बाजार का नीलामी का वो निकाला निरकनामा, उसमें पता चला कि जहाँ 40 रुपए लेना वहाँ ठेकेदार 100-100 रुपए ले रहा था। ले रहा था कि नहीं ले रहा था? आज उन्होंने जब उनने वो किए, आखिर लड़ाई झगड़े हुए, आज वो ठेकेदार लाइन पे आ गया, आया कि नहीं आया? तो हमको निकलना पड़ेगा, हमारे हक अधिकार के लिए कानून बने हैं। अगर वो कानून हमारी रक्षा नहीं कर सकते, उस कानून का कोई मतलब नहीं है हमारे लिए, उसको खत्म कर देना चाहिए, कोई मतलब नहीं ऐसे कानून का। तो अगर कानून है हमारे लिए, एसटीएससी एक्ट बना हुआ है, आप अगर किसी के साथ विवाद करते हो उसको अच्छा ठोकने के बाद भी आपको पैसा देंगी सरकार 50,000 रुपए, ऐसा कानून बना हुआ है उसमें। लेकिन हम लोग डरते, पिट के आते उल्टे, पिट के आओगे तो भी पैसे मिलेगा आपको, ये लिखा हुआ कानून में। लेकिन हम लोग तो पिट के आते हैं, पिट के आओगे 50,000 रुपए पुलिस वाले कड़े पूछना उनसे, एसटीएससी एक्ट में पैसा मिलता है कि नहीं मिलता। हम तो, हमको लगता है यार, हम तो मार खा के ढेर लोग फोन करते हैं, भैया फलाने ने मार दिया, कमार पानी में कई विवाद हो जाते हैं अदर कास्ट के लोगों के साथ, वो 2-4 लोग मिलकर मार देते हैं। अभी बाजार के ठेकेदार को हमारे लड़कों ने मारे कि नहीं मारे? देखे ना आपने, उसमें एसटीएससी एक्ट लगा और बाकायदा भी उनको 50,000 रुपए भी मिलेंगे। तो जो गलत करता है उसकी ठुकाई भी करो और पैसा भी लो सरकार से। ये हो सकता है हमारे साथ, है ऐसे नियम है कानून में, लेकिन हमें जानकारी नहीं है, हमको किसी ने बताया नहीं है। हमारे समाज के जो नेतागिरी करते हैं ना, वो अंगूठा छाप लोग कांग्रेस बीजेपी में खड़े हैं, जिनको राजनीति का राह नहीं मालूम, चाहे कोठीराम दुर्वे हो, इधर देख लो सीताराम, उधर देख लो जानकराम, उधर देख लो अतरलाल, इधर देख लो देशलाल, मुंडारे टाइप गाड़ दिए पूरे क्षेत्र भर में। ये भैया हमारे कार्यकर्ता, जैसे वन विभाग करे थे मुंडारे, ऐसे मुंडारे लगा दिए बाकायदा। भाई देख रहे ना, मन कमलनाथ जी 40 साल से सांसद है, किसी आदिवासी के पट्टे के लिए कभी तहसीलदार को नहीं बोला। किसी गरीब आदिवासी का लड़का अगर पढ़ लिख कर बड़ी डिग्री हासिल कर लिया, उसकी नौकरी के लिए कभी उन्होंने कलेक्टर को फोन करके नहीं बोला, किसको सिफारिश नहीं किया किसी से, किसकी नौकरी लगा दो।
लेकिन वोट बराबर दे रहे हैं हम लोग। कमलनाथ को छोड़िए, उसकी लुगाई को भी बना दी और लड़का को भी बना दिया सांसद हमने। कभी आपने अपने बच्चों की चिंता की? कभी अपने बारे में सोचा आपने? कभी नहीं सोचा हमने अपने बारे में। ये मुट्ठी भर लोग नहीं है, ये गलत फहमी में आप लोग मत रहिए। इस बिछुआ ब्लॉक में 150 गांव हैं और उस 150 गांव को चलाने के लिए अगर 25 पुलिस वाले काम करते हैं तो हम उनसे दुगना और तिगना संख्या में यहां पर है। हमारी जिम्मेदारी है, गांव गांव में जाइए आप लोग, अपने समाज के लोगों के बीच में बैठिए, पैसा के कानून की जानकारी दीजिए, उनको हक अधिकार के बारे में बताइए। कहीं पर भी अगर जरा सा किसी के साथ अन्याय होता है, पूरे के पूरे लोग थाने और तहसील में खड़े हो जाइए। कैसे न्याय नहीं मिलता फिर देखिए आप लोग। हमें संगठित होने की जरूरत है। पिछले बार खमार पानी में देखे थे आपने, एक किसी व्यक्ति को बजरंग दल वालों ने मार दिए थे, मारे थे ना, सही बात है। जब हमारे पूरे के पूरे नौजवान साथी थाने का दिन भर घेराव किए तो शाम को उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके और जेल पहुंचाने का काम हुआ, हुआ कि नहीं? इसी खमार पानी में हुआ था। तो हमें जहां भी अन्याय होता है उसके खिलाफ लड़ना है, जहां अत्याचार होता है, शोषण होता है, गलत चीजें हो रही है, उसके खिलाफ लड़े होने के लिए गोंडवाना का आंदोलन आया। अगर कांग्रेस और बीजेपी के लोग 70 साल से अगर हमें हमारे हक और अधिकार देते, हमारे लिए अगर ये बढ़िया व्यवस्था बनाते, समय पे पट्टे मिलते, गरीबी रेखा में नाम जुड़ जाता, हमारे लोगों को हक अधिकार अगर मिले होते तो दादा हीरा सिंह मरकाम और मनमोहन साहब भट्टी जी को गोंडवाना बनाने की जरूरत नहीं थी। नहीं थी हमें जरूरत। हम आपके साथ रहते, हम आपके साथ काम करते, आप जैसा कहते हम वैसे ही करते। आजादी के 75 साल में हम लोग आपने जैसा कहा वैसे किया, उसका नतीजा ये हुआ कि आज जो लोग हमारे यहाँ नौकरी करते थे, हमारे इधर खेती बाड़ी व्यापार करते थे, आज हमारे सर पे बैठ चढ़ के बैठ रहे, बैठ रहे कि नहीं बैठ रहे? हमारे सर पे चढ़ के बैठ रहे, हमारे ऊपर राज कर रहे। मुट्ठी भर लोग जिनकी जनसंख्या मुट्ठी भर है वो लोग राज कर रहे हैं, और हमारा आदमी कभी गलत काम के लिए थाना कोर्ट कचहरी नहीं जाता, कभी गलत काम हमारा आदमी नहीं करता। यह स्वभाव है, प्रकृति का नियम है। दूसरे समाज को भी कहते हैं कि आदिवासी बड़े सीधे साधे भोले वाले होते हैं भैया, ये बड़े ईमानदार होते और उसी का फायदा दूसरे लोग उठाते। हमें हमारे अधिकारों के लिए अगर जरूरत पड़ी तो मैदान में उतरना पड़ेगा, अगर जरूरत पड़ी किसी से लड़ना तो लड़ना पड़ेगा, अगर जरूरत पड़ी कहीं ठोकाए करने की कुछ करने की तो वो भी करना पड़ेगा। एक घटना याद होगी आपको खमार पानी की, 2003 में इसी ग्राउंड में कार्यक्रम था, एक थानेदार खमार पानी में दरोगा हुआ करता था, वो जब हमको परेशान करने लगा तो कैसी घटना घटी सब लोग जानते कि नहीं जानते? तो आदिवासी बड़ा सीधा साधा होता है, भोला भाला होता है। अगर इस आदिवासी को ऊपर किसी ने ज्यादा उल्टा सीधा किया तो फिर कोई तो रही है, उड़ा तो उड़ा ही उड़ा, फिर बोने छोड़ क्यों? चाहे बोरे मन पुलिस वाले आए, चाहे दरोगा आए, चाहे तहसीलदार आए, चाहे थानेदार आए, गले सही बात। तो अब माकूल फिरतल इस धरती पे गोंडवाना राज पे स्थापना किया नहीं, पेशा कानून जब लागू आ तो आदिवासी अपना हक अधिकार पुट्टी होना, जब पेशा कानून लागू आ तो हर क्षेत्र के मोहर आदमी को मुन्ने बड़ा माई होना, ये तो बात जैसा गोंडवाना का आंदोलन चालू हुई। ये आंदोलन तो हर आदमी ने जिम्मेदारी है, देर सवेर आज नहीं तो कल इस धरती में फिर से गोंडवाना की राज्य की स्थापना करेंगे, ये हमारा संकल्प है। और वो संकल्प तब पूरा होगा जब हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। हो रहा धीरे 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 धीरे, हमने जब शुरुआत में काम किए एक सरपंच भी नहीं था हमारे पास, फिर धीरे से हमने जनपद सदस्य बनाए, फिर हमने उपाध्यक्ष बनाए, फिर हमने आज जनपद अध्यक्ष बना लिया, बनाए कि नहीं बनाए? अब आने वाले समय ऐसा आएगा कि हम सब लोग मिलकर के ऐसा एक मेहनत कर लीजिए साल भर के अंदर कि आने वाले समय में चौरई विधानसभा में अपने पार्टी का विधायक बन जाए, ऐसी तैयारी हमको करना है। ये लड़ाई हम ये शासन प्रशासन को दे रहे हैं, हमें भी मालूम है शासन प्रशासन करना धरना कुछ है नहीं, लेकिन जब तक आप चिल्लाओगे नहीं, जब तक बच्चा चिल्लाता नहीं माँ भी दूध नहीं पिलाती तब, इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी है समय समय पे जो सरकार में बैठे लोग उनके माध्यम से शासन तक अपनी आवाज पहुंचाने, क्योंकि हमारे यहाँ जब मुख्यमंत्री आए तो हमने दिए ही नहीं ना, हमने विरोध किया ही नहीं। यहाँ का पूरा आदिवासी एक तरफ खड़ा हो जाता, कहता कि गुलसी गोली कांड में जो दो मवासी मारे गए बेचारे निर्मम हत्या हुई उनकी, उनके दोषियों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? यही मुख्यमंत्री था ना उस समय, किराए से लाए थे वो, यही मुख्यमंत्री था उस समय।
क्यों नहीं मिला उसको न्याय? आज पट्टे के लिए आप लोग यहाँ बात कर रहे हो, मुख्यमंत्री यादव वहां क्यों नहीं बात की आपने? आज गुंडेराही समाज के लोग जाति प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री यहीं पर आया था जब यही इसी मंच से वो डॉक्टर को सस्पेंड करने की घोषणा कर सकता है। इतना पावर है उसको कि मंच से खड़ा होकर वो जाति प्रमाण पत्र का सब कुछ दे सकता है। मुखिया प्रदेश का सरकार का मुख्यमंत्री है वो, तो क्या हमारी चीजों को यहाँ घोषणा नहीं कर सकता था? पर हम लोगों ने कभी खड़े नहीं हुए मंच में, खान आदिवासी को नहीं दिखाऊंगा उस दिन। मेरे को नहीं लगता कोई आदिवासी यहाँ खड़ा हुआ होगा। पूरे कहां कहां के रेत चोर तो कोई, कोयला चोर तो कोई, दारू भट्टी वाला तो कोई, ठेकेदार तो कोई, फलाने ढकाने यही थे होंगे उस दिन पूरे। कोई आदिवासी देखे तुमने मंच में? नहीं देखे होंगे तो वीडियो में देखना कौन सा आदिवासी खड़ा था। पेशा कानून तुम्हारे लिए बना रहे थे तो कौन से आदिवासी सामने बना रहे थे? कभी ध्यान दिया? कानून तो आपके लिए बन रहा है लेकिन नेतागिरी दूसरे लोग कर रहे हैं। क्षेत्र आपका है, नेतागिरी दूसरे चमका रहे हैं। ये कार्यकर्ता जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, आज यहाँ इतनी बहुत कम संख्या में लोग आए हुए हैं। हम भी जानते हैं खेती बाड़ी का समय, बरसात की फसल चौपट हो चुकी है। एक ही फसल के भरोसे लोग हैं, गेहूं की फसल। तो लोग काम धंधा छोड़ करके एक एक आदमी भी अगर यहाँ आया होगा तो उसकी जिम्मेदारी है जब आप यहाँ से जाओगे तो गांव गांव में बैठे आप लोगों के साथ चर्चा करें। हर क्षेत्र से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे लिए संख्या कोई मायने नहीं रखती। हमने जो मुद्दे उठाए हैं ये मुद्दे कांग्रेस वालों ने क्यों नहीं उठाए? ये बात बीजेपी का व्यक्ति क्यों नहीं करता? यहाँ का सांसद दिल्ली में जाके जब लोकसभा में बैठता है तो आदिवासियों के हित की बात क्यों नहीं बोलता? यहाँ के लोग बाहर मजदूरी करने जा रहे हैं, कोई महाराष्ट्र जा रहा है, कोई उड़ीसा जा रहा है, कोई हैदराबाद कर्नाटक जा रहा है, उनके रोजगार की बात क्यों नहीं करते? यहाँ पर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यहाँ विधायक है, कभी विधायक ने आज तक विधानसभा में आपके क्षेत्र की समस्याओं के लिए नहीं बोला। उनको तो जहाँ कमीशन मिलता वही बात करते हुए, ऐसे कमीशन खोर लोगों को छोड़िए आप। ईमानदारी से जो लोग अपने इधर उधर भटक रहे समाज के, उनसे भी आप लोग सवाल जवाब करिए। अगर आप 40 साल से कांग्रेस में नेतागिरी कर रहे हो तो समाज को क्या दिया आपने? अगर 40 साल से यहाँ कमलनाथ जी सांसद है तो समाज को क्या दिया उन्होंने? कितने लाख लोग नौकरी में लगे, पूछिए आप उनसे। इनके सिफारिश से, इनके कहने से कितने क्षेत्र में पुलिया बने, रोड बने, सड़कें बनी। वो तो प्रधानमंत्री सड़क योजना में अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है, गांव गांव में सड़कें बनी। ये इनकी देन नहीं है। आए दिन भूमि पूजन करते हम अपने वर्ग की बात करें, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है, जिनके नाम से ब्लॉक घोषित है। आज भी गोनी एक ऐसा गांव है जहां आदिवासी नहीं है लेकिन सरपंच का चुनाव नहीं होता, क्योंकि वहां पर आदिवासी ही नहीं है। वहां दूसरा बन नहीं सकता, सरपंच ही बनेगा, क्योंकि ये ब्लॉक अनुसूचित क्षेत्र घोषित है, ये आदिवासी ब्लॉक है, यहाँ दूसरे लोगों की नहीं चलेंगे। लेकिन चल रही है ये सब सारे चीजों को अभी भी मैं देख रहा हूँ। यहाँ ढेर सारे लोग इधर जा रहा है झोला लेकर, उधर जा रहा है, जब बैठना ही नहीं तो काहे के लिए आते हो जबरदस्ती? उनको कुछ समझते ही नहीं है। गांव में जाएंगे लोग पूछेंगे भैया बिछुआ कहते क्या हुआ? अरे पता नहीं यार, मैं तो वो अस्पताल तरफ गया था। अरे सुनो ना, समझो ना कम से कम। ये जो मंच में लोग बैठे हैं ये वो लोग हैं जो रात दिन मेहनत करते हो समाज के बीच में, कोई नई नई चीजें लाकर रखते हैं, आपके हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं, आपके लिए जूझते हैं, अपना जेब का पैसा देकर के कार्यक्रम आयोजित कराते हैं। वहां पर भी आप लोग आकर बैठ नहीं सकते? आज पूरा बिछुआ का ग्राउंड पर जाना था। ये समस्या आदिवासियों की नहीं है। अगर अतिवृष्टि हुई है उसमें पवारों की भी फसल बर्बाद हुई है, उसमें कलार और किरारों की भी हुई है, उसमें जितने समाज के लोग खेती करते हैं उनको सबको मौजे की जरूरत थी, सब लोग आना था यहाँ पर, कोई नहीं आया। बोले नहीं वही लड़ेंगे भी ये गोंडवाना वाले, हमें कोई मतलब नहीं। चुनाव के समय फिर साले सोने नहीं देते चुनाव के समय। कोई इधर से डूबता कोई उधर से जाता, अरे फलाने है क्या? इधर से पौवा देता उधर से पैसा देता, उधर से रिश्तेदारी बताता, उधर से कसम खिलाता, उधर से पार्टी का नाम बताता, यही हो रहा है। उस समय फिर समस्या क्यों नहीं आती? 5 साल आपको दिखेंगे नहीं, कभी पूछेंगे नहीं। कभी आप यहाँ से गुजर गए कोई शौकत में मियाँ दिख जाए ना, वो नमस्ते भी नहीं करता, उन्हें कोई समस्या बता देगा भगलो। पर चुनाव आएगा तो तुम्हारे घर जाएंगे दौड़ के, उन्हें कह रहे फलाने अपने को वोट कांग्रेस को देना है, यही हो रहा है, यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो हमें अपने अधिकारों के लिए सजग होना है।
ये प्रजातंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र होता तो आज भी गोंडवाना का राज होता। उस गोंडवाना के राज को खत्म करके वोट के माध्यम से उन्होंने प्रजातंत्र स्थापित किए और उस प्रजातंत्र में बहुमत के आधार पर निर्णय होते हैं। बहुमत, अगर ग्राम पंचायत में अगर 10 मेंबर है और 6 अगर एक तरफ हो गए तो वो रोड वहां की बनने वाली इधर उठ के आ जाएंगे। ये है बहुमत। यही हो रहा कि नहीं हो रहा? बहुमत के आधार पर निर्णय होते। जब बिछुआ में हमारा बहुमत है आदिवासियों का, तो नेतागिरी हमारी चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? जिनके 4 मकान है उनके चलना चाहिए? जिनके मुट्ठी भर लोग हैं उनके चलना चाहिए? पैसा पैदा करो एक खानसी और बट्टी जी जैसे अपने समाज में, आपके लिए काम करेगा वो। ये दलाली और भड़वागिरी चमचागिरी बंद करो समाज में, और जो लोग करते हैं उनको जूते मारने काम करो सालों को। बंद करो समाज से ऐसे लोगों को। आज परेशान हो रहे कि नहीं हो रहे लोग? ढेर सारे लड़के पढ़ लिख लिए अपने रोजगार गारंटी में खंडी खोद रहे, उनकी चिंता कौन करेगा? खोद रहे कि नहीं खोद रहे खंती? BA करने वाले लड़के गांव में खंती खोद रहे, उनको बैठना था तहसील में, उनको बैठना था बढ़िया, उधर नौकरी करना था बड़ी बड़ी, वो नौकरियां छोड़ चुके। व्यापम घोटाले हो रहे, पता नहीं कहां कहां के लोग पैसा दे दे के भर्तियां हो रहे। अभी जनपद में जाके देखो आप, पता नहीं पीछे के दरवाजे से कितने लोग नौकरी कर, हम जानते भी नहीं, वो बाबू बन गए वहां पर। कभी भर्तियां निकली? बैकडोर एंट्री हो रही, पीछे के दरवाजे से भर्तियां हो रही, हमारे लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा है। एक गांव में अगर सहायक सचिव की नौकरी निकली तो 30-30, 25-25 फार्म भर रहे कि भैया मेरी नौकरी लग जाए। छोटे छोटे चीजों के लिए हम लोग लड़ रहे, कुत्ते की तरह हमारे बीच में रोटी फेंक देते। जनसंख्या की बात कर रहे हैं, पूरे देश में मुट्ठी भर है 3% सामान्य वर्ग के लोग, 10% से आरक्षण अलग से मिल गया। राज्यसभा में 3 सांसदों ने विरोध किया मात्र, लोकसभा में भी ज्यादा लोगों ने विरोध नहीं किया। अपने समाज के लोग भी चाह रहे हैं 52 बनियों को आरक्षण मिले, लेकिन वो लोग नहीं चाह रहे कि तुमको तुम्हारे लोगों को आरक्षण मिले। जातिगत जनगणना नहीं हो रही, संख्या पता ही नहीं है किसकी संख्या कितनी है, लेकिन उनको आरक्षण दे रहे बाकायदा, उनके लिए बराबर है, हमारे लिए नहीं है। स्कूलें बंद किए जा रहे, बिछुआ में पिछले साल कम से कम 25-30 स्कूल बंद कर दिए गए, मास्टरों की भर्ती नहीं हो रही। पूरे बिछुआ ब्लॉक में कम से कम 25 प्राइवेट स्कूल खुले, एक भी आदिवासी का स्कूल नहीं है क्या? एक भी स्कूल आदिवासियों का नहीं है, तो हमारे लड़के फिर कहां जाएंगे? बिना ग्राम सभा के मुखिया के अनुमति के कोई बाहर का व्यक्ति गांव में नहीं घुस सकता। पहले आप अध्ययन करिए उसका। आज हम पट्टे के लिए भटक रहे, वन विद्या अधिनियम के तहत वन अधिकार के पट्टे के लिए भटक रहे। 10 रुपए की पुस्तक आती है, मालूम है? 10 रुपए की इतनी सी पुस्तक आती है। वो पुस्तक अगर आप पढ़ लिए होते, वो पुस्तक अगर आप पढ़ लोगे तो आपको ना नाकेदार सचिव के पास भेजेगा, ना सचिव पटवारी के पास भेजेगा, चुपचाप आपको फार्म में दस्तक करेगा, दूसरे दिन आपको पट्टा मिल जाएगा। लेकिन कानून हमको मालूम ही नहीं, हम कानून को जानते नहीं। हम 2500 साल से चिल्ला रहे हैं, हम समाज के लिए लड़ रहे, जेल गए जेल जाते, ढेर सारे केस हमारे ऊपर चल रहे, 2500 साल से काम कर रहे हैं। हम भी चाहते तो हम भी जज होते, हम भी प्रोफेसर होते, स्कूल में मास्टर होते। ये मजिया बार में ड्यूटी लग गई थी मेरी मिडिल स्कूल में, नहीं गए हम लोग। हमने कहा नहीं करते नौकरी, हम समाज के लिए काम करेंगे, आज नहीं तो कल ये समाज जागेगा और फिर से गोंडवाना राज आएगा, ऐसा हम लोग सपना लेकर के चल रहे हैं। हमने वो दिन भी देखे, बीजेपी के झंडा उठाने वाले लोग नहीं मिलते थे इस क्षेत्र में, मालूम है? 25 साल पहले बीजेपी के झंडा पकड़ने वाले नहीं मिलते थे, आज हमारे देखते देखते 25 साल बाद कांग्रेस को झंडा उठाने वाले नहीं मिल रहे, उल्टा हुआ कि नहीं? तो हम जिस दिन तय कर लेंगे, जिस दिन हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा, जिस दिन हमारे समाज के पढ़े लिखे लड़के अपने अधिकारों के लिए ऐसे मैदान में उतर जाएंगे, आप लोगों का सहयोग हो जाएगा, तो ये मान के चलिए निश्चित रूप से गोंडवाना राज आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। हमारी संख्या ज्यादा है, ऐतिहासिक रूप से आप उठाकर देखिए, देवगढ़ में किला है, मंडला में, भोपाल में, रायसेन में, देश का प्रधानमंत्री भी आपकी ताकत को देखकर भोपाल में कह रहे हैं जय सेवा जय बड़ा देव कर रहा है। रेलवे स्टेशन का नाम बदल के कमलापति के नाम से रख दिया। मुख्यमंत्री भी बढ़िया पीले गमछे डाल के नाच रहा है, कमलनाथ भी जैकेट पहन के जैसे वो बोल रहा है, बोल रहे कि नहीं बोल? तो वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना होगा, और आदिवासियों को वोट चाहिए तो जैसे वो जय बड़ा देव करना होगा।
करना होगा कि नहीं करना होगा? आपको अपनी ताकत नहीं मालूम? ये हाथी जैसा समाज है, लेकिन ये 10 किलो का व्यक्ति उसके गर्दन के ऊपर बैठ के उसको चला रहा है। जिस दिन ये समाज को पता चल जाएगा और ऐसे सूंड में पटकेगा तो हड्डी भी नहीं मिलेगी, ऐसे ताकतवर समाज है हमारा। लेकिन हमको नहीं मालूम कोई दारू पी रहा, कोई तंबाकू पी रहा, कोई गांजा पी रहा, कोई छेड़ी पी रहा, कोई बीड़ी पी रहा है। मैं कई सारे लोग देखा कार्यकर्ता गलत चीजों का, जबकि हम लोग कह रहे हैं कि नशा मुक्त रहे। आप अगर समाज का काम कर रहे हो तो गलत चीजें छोड़िए, आप अगर समाज के लिए काम कर रहे हो तो ये सब चीजें बंद करिए। नहीं कर रहे आप लोग। कई बार आपको प्रशिक्षण हो गया, कई बार आपको कई मंचों में चले गए, दुनिया दिल्ली तक के मंच में आप लोग गए हो, यहाँ से कछारगढ़ गए, भोपाल, जबलपुर, कहाँ कहाँ नहीं ले गए आप लोगों को हमने। लेकिन वो चाल जो है ना तुम्हारी, वही वाली गांव वाली, बस वहीं तक है। और बड़ा माए तो ना टांग बैसी मिस्की नहीं, और गाड़ी अच्छे तो वो पंचर भवन किया नहीं, और मुन्ने आए तो वो जादू किया नहीं, पुलिस वाले पटवारी तहसीलदार और कुछ हल्की ना लगे, उसका सही उपयोग करोगे 2 दिन में काम हो जाएगा। चलते गाड़ी को रोक देते हैं लोग, ये ताकत है जादू आज भी है तो दुनिया मानती है। जब कोरोना का समय आया, हम और आप सब लोग गवाह है उसको, कोरोना को सरकार ने नहीं रोक पाई, डॉक्टरों ने नहीं रोके। हमने जब गांव में माता दाई में पानी चढ़ाना चालू किए तो अपने आप गांव से कोरोना भगा। भगा कि नहीं भगा? नहीं भगा कि नहीं भगा? ये ताकत है प्रकृति में, हम प्रकृति के पुजारी हैं, हम उसको मानने वाले लोग हैं। 2500 साल से हम लोग बता रहे हैं कि गोंडवाना यूं न लंड यूं नहीं, मौर भूर का लाड देना येर मेल के, तो भी वो ना बात लागू आसन था। पर पंडित दिन तो तरह का बतिंदा बतिंदा अत करना है, सत्ता करना है, फिर वायल वो ना कहना थे। हले 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 यूं नहीं, ढेर सारी चीजें हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो हमारी समस्याएं हैं, अभी हम लोग सब लोग जाएंगे रैली के माध्यम से, इधर से रैली निकलेंगे, ऐसा घूम के आएंगे, ज्ञापन देंगे, उसके बाद ही आप लोग घर जाएंगे। अगले महीने पूरे छिंदवाड़ा जिले में 11 ब्लॉक में कार्यक्रम चालू है। कल हर्रई में है, 18 तारीख को तामिया में है, 23 तारीख को आपका क्या बोलते हैं यहाँ तामिया में, 23 को 18 को जुन्नारदेव में है, और 29 तारीख को परासिया में। पूरे ब्लॉकों में कार्यक्रम हो रहे हैं। इन मुद्दों को हम इकट्ठा करेंगे और फिर एक छिंदवाड़ा में जाकर के बड़ा कार्यक्रम फरवरी के महीने के आखिरी में अपन लोग करेंगे। तैयार है सब लोग? लेकिन छिंदवाड़ा के लिए अभी से आप लोग तय कर लो कि हमारे जितने क्षेत्र के लोग हैं, पूरे क्षेत्र के लोगों कम से कम बिछवा से 50 गाड़ी छिंदवाड़ा पहुंचना चाहिए। पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? ऐसी तैयारी आपको अभी से करना है। आप लोग डरो मत, ऐसे आने जाने में बौद्धिक विकास होता है, सभाओं में जाने से ढेर सारी चीजें मिलती है आपको। हमारे कई लोग ऐसे जो ट्रेन में जाते थे पहले गोंडवाना के, ट्रेन में जाने जाने में ट्रेन हो गए, अभी वो गरीब से बैठा है, गुलाब भाव बैठा है, वो तहसीलदार थानेदार से बोल सकते, पहले नहीं बोल पाते थे, लेकिन अब ट्रेन हो गए। वो भी कार्यक्रम में जाके बैठते हैं, बोलते हैं, चर्चा करते हैं, हौसला बढ़ता है उनका। कमलनाथ के पास जाके बोल के आ गए उनने कि तेरा काम नहीं करेंगे हम, गोंडवाना काम करेंगे, पूछ लेना उनसे कभी। नहीं खरीद पाया उनने, उसने उनको ऐसा जज पर रखिए आप लोग। वो बहुत बड़ा ब्लॉक थोड़ी, अपना छोटा सा ब्लॉक है। अब वो गोंडवाना नहीं है 25 साल पहले का। हमने जब शुरुआत में गोंडवाना लेकर के आए थे पढ़ते थे, जैसे वो बोलने वाले 4 लोग ने मिलते तो उल्टे हंसते थे, हंसते थे लोग। आज तो व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, अगर छत्तीसगढ़ में, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में भी कार्यक्रम हो रहा है तो एक घोर चराने वाला लड़का भी व्हाट्सएप और फेसबुक से लाइव देख रहा है। वो समय आ गया, परिवर्तन आया कि नहीं आया? ये परिवर्तन का समय है, अपने आप को बदलिए। अब बीड़ी छोड़ो, सिगरेट पियो साले, महुआ की छोड़ो, पर नंबर 1 पियो। क्यों महुआ में पीछे जा रहे हैं ना, थोड़ा आगे जाने के लिए कुछ नया करो। है कल सही बात, कल उन्होंने चालू मन की पर उनकी बात आई, उन्हें पीतल मान दिए भैया। तो मुख सोचे मातुम यार, ढेर सारे बड़े बड़े नेता जब यहाँ पर आए, मुख्यमंत्री यहाँ पर आया, सांसद यहाँ से दौरा किया, उसके बाद भी ना आपके मौजा की बात किया, ना गुलसी कांट की बात किया, ना अस्पताल में डॉक्टर की बात किया, ना स्कूल में मास्टर की बात किया।
तो ऐसी परिस्थितियों में ये हमारा गोंडवाना का आंदोलन हमारी पार्टी का दायित्व है कि अपने दबे कुचले लोग चाहे वो किसी भी जाति समाज वर्ग के हो, किसी के भी साथ अगर अन्य अत्याचार होता है तो हमारे लोग वहां पर जाकर खड़े होंगे, उनके लिए हम लोग लड़ेंगे। अगर गलत होता है तो गलत को गलत कहिए, गलत का साथ मत दीजिए, जो सही है उसको सही बोलना जिस दिन सीख जाएंगे उस दिन ये गोंडवाना का आंदोलन आगे बढ़ जाएगा। और जो समाज में जो चमचे और दलाल और चाटुकार लोग हैं चुनाव में पैसा देने लेके आते, एक बार आपको याद होगा 2003 में पिटाई की थी कि नहीं दो चार लोगों के ऊपर दारू बांटने वालों की, तो उनकी सुटाई भी करना है। चुनाव आयोग सीधा बोलता है कि भैया लो प्रलोभन पैसा दारू नहीं बढ़ सकता, लेकिन हमारे बीच में लोग आते हैं पैसा दारू लेकर। जब तक हम इन सब चीजों के लिए लड़ेंगे नहीं, सामने नहीं आएंगे, तब तक हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है। कमार पानी के एक बाजार में अगर ठेकेदार के खिलाफ हमने आंदोलन किए तो पूरे विश्व ब्लॉक के बाजार के लोग सुधर गए कि भैया नहीं गलत ऐसे नहीं लेना, भला हुआ कि नहीं किसानों का, भला हुआ व्यापारियों का। तो ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए भी हमने लड़के तैयार कर लिए। बिछुआ का सिर्फ अगर मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का है शिवराज सिंह चौहान, तो बिछुआ का मुख्यमंत्री हमारा गोंडवाना का सतीश बलावी है, हमारे लिए तो वही मुख्यमंत्री है कि नहीं है। तो मैं ज्यादा समय ला लेते हुए, सभी वक्ताओं ने अपने अपने बात रख ही दिया है, तो हम चाहते हैं कि सब लोग यहाँ जितनी बातें हो रही है मोटी मोटी चीजें आप समझ के अगर यहाँ से जा रहे हो तो गांव में जाकर अपने लोगों के बीच में जरूर रखें, उनसे चर्चाएं करें, और आने वाले समय में जब हम छिंदवाड़ा में बड़ा कार्यक्रम करेंगे तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ से लोग पहुंचे।